नमस्ते, मैं हूँ मैथिली और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के व्लॉग में। आज है 5 जुलाई और आज है एकादशी और आज है हमारे घर में मंदिर की स्थापना। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और 10 बजे से पूजा आरंभ है, तो इन 4 घंटों में काफ़ी सारी तैयारियां हैं जो हमें करनी है। तो हम लोग बस शुरू हो जाते हैं अपने काम पे और आपको दिखाते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा जाता है। स्टे ट्यून्ड। तो मम्मी उठ चुकी है और यही है पूजा का स्थल। तो मम्मी ये पूरा छत धोएगी और वो मंदिर है जहाँ पे स्थापना होगी तो वो भी जगह मम्मी धोएगी मेरे रूम में। हनी उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। तो अभी तक मंदिर सहित पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, घर में झाड़ू पोछा दोनों लग चुका है और मम्मी तब तक गंदे सारे बर्तन धो रही है और उसके बाद पीताम्बरी पाउडर से सारे पीतल के बर्तन को धोना है और बस नहा के फिर तैयार हो जाना है। तब तक मैं पंडित जी आ जाएंगे तो आपको दिखाती हूँ। तो मंदिर के साफ़ सफाई का सारा काम मेरा प्यारा भाई ऋषभ कर रहा है और यहाँ मेरे पापा जी पूरे तैयार हैं, बैग लटका करके फल फूल सब्जी दूध सब लेके आना है पापा को। मैंने पहली बार साड़ी पहनी है। तो मैंने पहली बार साड़ी पहनी और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थी आज के लिए क्योंकि मुझे आज साड़ी पहनने को मिलेगा। और मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है। प्रभु बैंगलोर से आए हैं। मैं आपको प्रभु वाज MBBS डॉक्टर, देन ही जॉइंड द इस्कॉन टेंपल एंड 17 इयर्स इज सर्विंग। सो प्रभु इज वेरी सीनियर डिवोटी एंड यू विल सी वाचिंग योर रामचरितमानस। Yeah, yeah, very nice. I'm so excited for today. Yes, we are also excited. हम लोग प्लेस को क्लीन करते हैं और जो है और भी बहुत सारी सामग्री हैं जो पूजा में यूज होती है। तो
आरती हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, और क्या चाहिए? साक्षात कृपा हो रहा है। ये तो हमारा सही है, जैसे लग रहा है मंदिर बन गया पूरे घर, ऐसे लग रहा है। मम्मी यहाँ कौन सी तैयारियाँ हो रही है? चुके हैं 9:15 और अभी हमारे घर में पूजा की बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। सभी जो इस्कॉन से प्रभु जी आए हैं, सभी लोग हवन की तैयारी कर रहे हैं और अभिषेक भी होगा, तो ये सारी चीज़ों की तैयारियां हो रही हैं और बाहर नज़ारा ही कुछ और है। तो मैं आप सभी को आज दिखाती जाऊंगी कि हमारे घर में पूजा कैसे कैसे हो रही है। Yeah.
a memorable day, a day to remember in the life of Thakurs, because their lordships Sri Sri Radha Krishna, Sri Sri Radha Vrindavan Chandra, whatever name you can call him, their lordships have come here, have come to your house, and they have decided to take seva from you. This is a very wonderful opportunity, the great fortune that you have achieved in this life.